तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 14th क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। बॉय वेटिंग इतना KGF क्लाइंब अप ए स्टेयर्स ऑफ 30 स्टेप ईच 20 सेंटीमीटर हाइट इन 4 मिनट्स। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है गर्ल वेटिंग 30 KGF डज द सेम इन 3 मिनट्स। ओके, कंपेयर करना है इन दोनों को। कंपेयर मतलब रेशियो निकालना है, सिंपल बात। कंपेयर अगर मैं किसी को कर रहा हूँ, भाई मैं इससे उसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो रेशियो निकालना पड़ता है ना। तो वर्क डन निकालना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पे फोर्स है, देखो फोर्स को है 40 KGF। अब मैंने आपको बताया था 1 KGF किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर। और अगर मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो भाई 1 KGF को मैं क्या ले लेता हूँ, 10 न्यूटन ले लेता हूँ, ताकि मुझे आसानी हो। तो देखो यहाँ पे फोर्स जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन। क्योंकि 40 × अगर मैं 10 न्यूटन कर दूं तो कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन। तो फोर्स मेरे पे 400 न्यूटन हो गया बॉय का, यहाँ पे मैं बॉय का लिख लेता हूँ। और फोर्स गर्ल का कितना हो जाएगा, देखिए 30 KGF है तो मैं लिख लूँगा 30 × 10 न्यूटन, तो हो जाएगा 300 न्यूटन गर्ल का फोर्स हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो बॉय का अच्छा स्टेप्स तो दोनों के लिए सेम है, यहाँ स्टेप्स की बात करते हैं। देखो 30 स्टेप्स है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अब जो स्टेप्स के जो ईच स्टेप है वो कितने की है, वो 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे कितने स्टेप्स है, 30 है, तो देखो 30 × अगर मैं 20 सेंटीमीटर करता हूँ तो कितना आ रहा है, 600 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में, तो अब मुझे ऑब्वियसली बात है ये एस है, डिस्प्लेसमेंट है, कितना चल रहा है ना, तो ये 600 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करूँगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो मेरे पे एस आने वाला है मेरे बच्चों वो कितना आएगा, 600 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। तो जो मेरे पे एस आ गया वो 6 मीटर आ गया, मेरे पे फोर्स भी आ गया, एस भी आ गया। अब ये जो एस है ये दोनों के लिए, फोर्स कितना फोर्स बॉय का है और कितना गर्ल फोर्स का है, इन दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है एस है वो सेम है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से हम आराम से कर सकते हैं ना, अब हम वर्क डन का रेशियो तो निकाल ही सकते हैं, तो वर्क डन का रेशियो निकालते हैं, वर्क डन ऑफ बॉय अपॉन वर्क डन ऑफ गर्ल, है ना। अब देखो कितना ईजी हो जाएगा, फोर्स ऑफ बॉय इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स ऑफ गर्ल इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है। तो फोर्स ऑफ बॉय कितना था हमारा, 400 न्यूटन और 6 upon 300 न्यूटन, मीटर में लिख देता हूँ 6 मीटर। तो देखिए कितना आ रहा है, 6 से तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, तो मेरा जो रेशियो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 4:3। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही, तो 4:3 आ रहा है हमारा, बिल्कुल सही है। अब हम पावर पे चलते हैं, ठीक है। तो पावर जो था, पावर का भी रेशियो निकालना, पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ गर्ल, है ना। तो देख लेते हैं, ओके बड़ा यहाँ पे खिचपिच हो गई, चलो कोई नहीं, दोबारा से कर लेते हैं, ओके चलो। अच्छा पावर ऑफ बॉय, तो पावर क्या होता है आपको पता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन अपॉन टाइम। ये वर्क डन किसका है, बॉय का, और ये वर्क डन किसका है, गर्ल का। तो यहाँ पे देखो वर्क डन का मैं लगाता हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन हमारा अभी हमने निकाला था, तो ये वर्क डन कितना था हमारा, वर्क डन था हमारा एफ एस, एफ कितना था यहाँ पे, 400 × 6 अपॉन टाइम कितना था यहाँ पे, टाइम बॉय के लिए कितना है, बॉय के लिए है 4 मिनट्स और गर्ल के लिए है 3 मिनट्स, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 मिनट्स और यहाँ पे 3 मिनट्स, राइट। तो देखिए अपॉन यहाँ पे मिनट है तो मैं सेकंड कर लेता हूँ, तो 4 × 60 कर लेता हूँ, है ना, तो ये सेकंड में आ जाएगा, होल अपॉन 300 × 6 अपॉन 3 मिनट है तो 3 × 60, राइट। तो देखिए कितना इजी हो गया, मैंने ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 6 से ये वाला पूरा 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 10 जा, ये हो जाएगा 10 से पूरा 10 कैंसिल हो, तो 1:1 आ गया बच्चों मेरे पे, बड़ा इजीली
देखते हैं पावर, बिल्कुल सही, देखो 1:1 भी आ गया मेरा पावर। तो ये हमारा 14th भी हमारा फिनिश हो चुका है, तो हम 15th ट्राई करते हैं, है ना।